कहीं ना कहीं अंडररेटेड है केकेआर का फैन बेस, उनसे बेटर फैन बेस मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। फैंस की बात करेंगे तो चेन्नई, क्योंकि आप जो चेन्नई में खेलने जाते हैं वहां पे तो आपको सब कुछ येलो दिख रहा है, स्टेडियम पूरा भरा होता है। सर केकेआर का फैन बेस कैसा है? ओह, केकेआर के फैन बेस के बारे में कुछ बताइए। बहुत फैन बेसिस की बात होती है टीम की, पर केकेआर के फैन बेस की बात ज्यादा होती नहीं है, और मैंने सुना है कि वो भी कुछ नेक्स्ट लेवल है केकेआर का फैन बेस। जो भी केकेआर के प्लेयर्स होते हैं उनसे मैंने ये सुना है, पर वो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अंडररेटेड है केकेआर का फैन बेस। तो आज बताइए उनके बारे में। वेरी वेरी लॉयल, अगर आप उनसे बात करेंगे बहुत ही लॉयल है अपनी टीम के लिए। और मतलब मैं 4 साल वहाँ खेला हूँ और हम 2 बार चैंपियन बने, बट उनसे बेटर फैन बेस मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मैंने 4 साल के अंदर जितने भी हम ईडन गार्डन से मैच खेले, एक बार सिर्फ ऐसे देखा था जब आई थिंक सौरभ गांगुली सर जब पूना की टीम से खेलने के लिए आए थे, जब वो आधा स्टेडियम में आपको टी शर्ट का कलर अलग दिख रहा था, बाकी कोई आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको। वो फैंस इतने लॉयल हैं अपनी टीम के लिए कि वो, और आप देखेंगे ना अगर कलकत्ता में आप जाते हैं तो उस टीम के लिए जो प्यार है ना वो आपको कहीं और नहीं दिखता है। मुझे याद है जब हम चैंपियन बने थे, हम 2012 में पहली बार जब वापस हम कलकत्ता गए थे, तुम्हारी एक ओपन बस राइड हुई थी, और जब वो लाखों लोगों को आप तो सड़क के दोनों तरफ देख रहे थे कि आपको रिसीव करने के लिए आए हैं, और जो पैशन उनके चेहरे पे दिख रहा था, तो मैं कभी भूल नहीं सकता वो। मतलब ऐसा बिल्कुल आंखों में एक एक चीज़ बसी हुई है। देन स्टेडियम पहुँचे, स्टेडियम में जितने लोग आ सकते हैं उससे 20-30% लोग ज़्यादा भरे हुए थे, और एक्चुअली लोग तो आ जाते हैं लेकिन जो चेहरे पे आपको दिखता है ना कि यार कि कितने खुश हैं वो एक आईपीएल चैंपियन बनने के बाद, उस सिटी में जो प्यार आपको आपके लिए दिख रहा है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और आप देख सकते हैं। और फैन बेस वेरी वेरी लॉयल, मतलब उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता केकेआर का फैन बेस। पर अगर बाकी टीमों के फैन बेस की मैं बात करूँ, कौन सी आपको ऐसी टीम लगती है जो सबसे नेक्स्ट लेवल फैन बेस है जिस टीम का? अगर आप बात करते हैं, मुझे लगता है फैंस की बात करेंगे तो चेन्नई, क्योंकि आप जो चेन्नई में खेलने जाते हैं वहाँ पे तो आपको सब कुछ येलो दिख रहा है, स्टेडियम पूरा भरा होता है। उनके फैंस बहुत अच्छे हैं। देन आरसीबी, आप ये देखिए अभी तक चैंपियन नहीं बने हैं लेकिन अभी भी वो फैंस ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा, और जब भी जाते हैं आप वो लगातार आपको उनके गाने चलते हुए दिखते हैं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। मुंबई अगर आप देखेंगे बहुत कंसिस्टेंट टीम है, बहुत एक विनिंग कॉम्बिनेशन उनके पास है, लेकिन वहाँ के भी फैंस अपनी टीम के लिए बहुत लॉयल हैं।